गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MPPSC में यूनिट 10 जो प्रीलिम्स के लिए यूनिट 10 है उसमें बहुत सारे कमीशंस दिए गए हैं। कितने कमीशंस हैं? 16। बहुत ध्यान से देखना है, 16 कमीशंस हैं, उसकी संख्या तो पता ही होनी चाहिए। और इसमें से कुछ कमीशंस ऐसे हैं जो आपको मेंस में ही मिलेंगे, जैसे कि निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC, मानवाधिकार आयोग। तो अगर आप एक जगह ढंग से पढ़ लेते हैं तो मेंस में लगभग 80% काम हो जाएगा। केवल एनालिटिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सोचना पड़ता है, विचारों को कलेक्ट करना पड़ता है, बाकी तथ्य तो वही रहते हैं। अक्सर कहा जाता है ना कि दोनों को इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ना चाहिए, एक साथ पढ़ना चाहिए, तो वो तरीका यही है और हम लोग उस अप्रोच को फॉलो करेंगे कि अभी का जो आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपको मेंस में काम आएगा। तो आज का जो टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत निर्वाचन आयोग, MCQ हम लोग जरूर लेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसका जो बेसिक ढांचा है क्या क्या हमें पता होना चाहिए। कोई भी आयोग जब आप पढ़ें ना तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो ये देख लीजिए कि वो संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय। हेडिंग तो यही लिखी हुई है ना। क्या लिखी हुई हेडिंग? पूरी हेडिंग जो सिलेबस में लिखी हुई है, राष्ट्रीय ऑब्लिक राज्य प्रांतीय सांविधिक एवं संवैधानिक निकाय, यानी केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे जो संवैधानिक निकाय हैं वो और जो सांविधिक हैं। तो ये समझते हो संवैधानिक और सांविधिक क्या होता है? क्या होता है? अगर हम जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल तो इसका क्या मतलब निकलेगा, और जब हम कहते हैं स्टैचुरी तो इसका क्या मतलब होता है? स्टैचुरी वो होगा जो, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल वो होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हो, संबंधित हो या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, लिखा हुआ हो, है ना, तो उसको हम बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। अगर ये पता चल गया तो निश्चित तौर पे आर्टिकल्स हो गए, तो वो आर्टिकल्स हम लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। और जब हम स्टैचुरी की बात करेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्या होता है इसका मतलब, संविधान मतलब संशोधित करके आपने बाद में ऐड किया? नहीं, इसको किसी कानून के द्वारा लाया गया है, यानी इस निकाय की स्थापना, उस बॉडी की स्थापना जो है वो किसी कानून के द्वारा की, किसी एक्ट के द्वारा की गई है ना। एक्ट को ही क्या बोलते हैं हम? स्टैट्यूट्स बोलते हैं, वहीं से बना स्टैचुरी। तो जिस बॉडी या निकाय की स्थापना जो है किसी कानून के माध्यम से की जाती है, संसद में या विधानसभा में पारित करके, वो कहलाएगा सांविधिक। और जिस निकाय की स्थापना संविधान ने कर रखी है, जैसे कि चुनाव आयोग संविधान में है, तो एक तो पहली बात तो ये नेचर देख लें वो किस प्रकार का है, कि वो नेचर उसका कैसा है। कोई भी आयोग आप पढ़ें तो ये ज़रूर देखें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या वो स्टैचुरी है। यानी कि संविधान में है तो फिर यहाँ से अभी पता होना चाहिए कि हमारे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, स्टैचुरी है तो कौन सा एक्ट है, कब लाया गया था और कब से लागू हुआ था, ये प्रश्न बनते हैं। उसके बाद उसकी संरचना यानी कि उसकी कंपोजिशन या स्ट्रक्चर हम लोग कह सकते हैं, स्ट्रक्चर या संरचना कैसी है। तीसरी चीज टेन्योर, उसमें जो पदाधिकारी हैं उनका कार्यकाल कितना है। अक्सर प्री में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, मेंस में भी इनका उल्लेख करना पड़ता है। फिर उनकी फंक्शंस और कार्य करने के लिए आप जानते हैं कि पावर्स की जरूरत पड़ती है, बिना पावर के कोई भी संस्था काम नहीं कर सकती है। तो फंक्शंस, पावर्स, ड्यूटीज एक ही बातें हैं, सबको एक ही जगह अपने को पढ़ लेना है। इसके अलावा उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या होती है ना, तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं रिमूवल, उनको हटाते कैसे। ये कुल पांच मोटे मोटे ऐसे हेडिंग्स हैं जिन पे अपने को फोकस करना है। इसके अलावा दूसरे फैक्ट्स अलग से आते रहेंगे, पर ये पांच चीज़ें हमको ज़रूर पता होनी चाहिए किसी भी बॉडी के बारे में, किसी भी निकाय के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें कि निर्वाचन आयोग के बारे में,
एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब केवल कहीं लिखा हो निर्वाचन आयोग, तो इससे क्या तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है भारत निर्वाचन आयोग। और जब भी राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो बहुत क्लियरली लिखा जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। जैसे कि इस प्रश्न में पूछा गया है, तो पहले हम लोग प्रश्न सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ रखी है हम लोग वापस उसको रिवाइज कर लेते हैं, राइट। तो चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक निकाय है निर्वाचन आयोग, तो कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये किस तरह का निकाय है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट, यानी संवैधानिक निकाय है। तो सवाल ये उठता है कि फिर संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, कहाँ पे है संविधान में, कहाँ पे उल्लेख है इसका। बिल्कुल सही है, भाग 15, बिल्कुल सही है, पार्ट 15, ऐसे लिखते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिखने की कोई भी प्रक्रिया हम लोग कोई भी इसका निरूपण कर सकते हैं। आर्टिकल्स 324 से 329, वेरी गुड, 329 ए भी है क्या? 324 ए भी है। हाँ, नहीं, 329 में ए है या नहीं है बताओ, 324 में तो है, 324 में 1, 2, 3, 4, 5 है, जहाँ जरूरत पड़ेगी उसका उल्लेख हम लोग बात करेंगे। 329 ए है क्या? हाँ है, 329 ए है ना, ध्यान रखिए 329 ए है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि परिसीमन से रिलेटेड जो खास तौर पे न्यायपालिका के को उसमें रोका गया है कि अगर परिसीमन से संबंधित, डिलिमिटेशन से संबंधित सरकार कोई भी कानून लेकर के आती है, कुछ भी करती है, तो उसमें न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। पूरा 329 जो है बेसिकली न्यायपालिका और इसके संबंधों पर ही है। लेकिन चुनावी याचिका के माध्यम से, है ना, चुनावी याचिका क्या होती है, ये भी एक प्रश्न आता है, 3 मार्कर में आ सकता है। चुनावी याचिका से तात्पर्य है कि ऐसी याचिका जो चुनाव में भ्रष्टाचार या किसी तरह की ऐसी इलीगल एक्टिविटी होने का आरोप लगाती है, है ना। और कौन इसको दाखिल कर सकता है, दायर कर सकता है, कोई भी आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उन्हीं में से कोई एक होना चाहिए, ये बाध्यता दी गई है। हाँ, जनहित याचिका के तौर पे नहीं दाखिल किया जा सकता चुनाव में, ध्यान रखिएगा चुनावी याचिका ही कहा जाता है, इसको इलेक्शन पिटीशन बोलते हैं। और इसको कहाँ पे दाखिल किया जाता है, हाई कोर्ट में, इसको सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं लेके जाया जा सकता, इसको पहले हाई कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, फाइल किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गई आर्टिकल की बातें। अगर हम लोग संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर, तो कितने होते हैं वर्तमान में, 3 सदस्यीय हैं, 3 मेंबर बॉडी है ये, है ना। एक होता है इलेक्शन CEC बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी के जो 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। CEC जो है वो अध्यक्षता करते हैं, इनका जो पद है दोनों तीनों का समान रूप से माना गया है। और बस ये है कि अगर इन दोनों में मतभेद है तो CEC जिसके साथ जाएगा वो उसकी बात मान ली जाएगी। सभी निर्णय जो होंगे वो कैसे लिए जाएंगे, बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। इनकी कोई योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान ने कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं किया है कि ये कितने पढ़े लिखे होंगे, क्या एज होनी चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है, है ना, कहीं कोई मेंशन है ही नहीं इसके बारे में। तो अगर पूछा जाता है कि क्या योग्यता होनी चाहिए, तो संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, तो फिर नियुक्ति कैसे होती है, कोई अभी जो वर्तमान में नियुक्ति कैसे होती है इनकी, कोई तो व्यवस्था होगी नहीं। होता ये है कि सरकार जो है वो कुछ जिनको ऊपर भरोसा है उनको, ऐसे अधिकारियों को, जनरली वो सीनियर IAS हो सकते हैं, है ना,
पर यह भी जरूरी नहीं है कि वो आईएएस ही हों। सरकार किसी को भी इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर या सीईसी बनाने के लिए राष्ट्रपति से रिकमेंड कर सकती है, सिफारिश कर सकती है और राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देते हैं। अभी तक तो यही प्रक्रिया है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है, उसके बारे में पढ़ा है आपने, उस पर भी चर्चा करेंगे। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी संभावना है कि ये बिल पास हो जाएगा। अभी विशेष सत्र जो शुरू हुआ है आज से, उसमें ये बिल आने की संभावना है। लोकसभा में ये बिल ऑलरेडी राज्यसभा में पेश किया जा चुका है, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए थी, नहीं है कोई बात नहीं, उसके बारे में भी हम लोग उस बिल के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी वो एक्ट बन जाएगा और उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अभी जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें यही तरीका होता था, सरकार जिसके नाम की सिफारिश करती है राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं और वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है और इलेक्शन कमिश्नर में जो सीनियर होता है उसको सीईसी बना दिया गया। ठीक, फैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो पहले सीईसी कौन थे, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, है ना। भारत में प्रथम, राज्य में प्रथम, ये आपका मतलब पहला दायित्व तो है कि याद करना ही है ना। सुकुमार सेन, है ना, कब से कब तक थे वो, ईयर, केवल ईयर भी अगर आप याद रखेंगे ना उससे और दूसरे प्रश्नों को आप टैकल कर पाएंगे। पहले थे उन, नहीं नहीं 58 में तो रिटायर हो गए, 58 में वो रिटायर हो गए थे, वो 1950 से लेकर के 1958 तक रहे और मेरे ख्याल से या हैं ही, पक्की बात है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल उन्हीं का रहा, कोई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 8 साल नहीं रहा है वो सबसे। तो अगर ये प्रश्न भी आता है किस सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, तो सीधी सी बात है सुकुमार सिंह, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग करते चलेंगे, है ना। ये प्रॉब्लम सबको होती है कि ईयर्स याद नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना क्या होता है कि सिर्फ जब वो अपॉइंट हुए उस डेट ईयर को याद कर लो और फिर जब तक वो रहे उसको याद कर लो। तो अगर आपने ये याद किया वो पहले वाले थे, तो स्थापना कब हुई चुनाव आयोग की, ये हम सब जानते हैं, कब हुई, 25 जनवरी 1950, तब से वही थे, और 58 आपको बस याद रखना है। तो ये वाला ईयर तो अपने आप याद रहेगा क्योंकि 26 जनवरी से हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक उसके एक दिन पहले चुनाव आयोग अस्तित्व में आ चुका था। तो ये हो गई बात, टेन्योर कितना होता है इनका कार्यकाल, अभी जो वर्तमान है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में जो पहले हो जाए, विच वन इज फर्स्ट, जो पहले पूरी हो जाए, विच वन इज अर्लियर, जो पहले, मान लो किसी कोई 63 साल में बना इलेक्शन कमिश्नर तो 2 साल में रिटायर हो जाएगा, और कोई मान लो कि 60 साल में बना या 59 ईयर्स में बना तो वो पूरे 6 साल रहेगा, है ना। जैसे मान लो कोई 58 की एज में बन गया तो उसके 6 साल 64 की एज में पूरे होंगे तो रिटायर हो जाएगा, वो 65 ईयर्स नहीं देखा जाएगा उसका, यानी या तो उम्र 65 साल हो जाए या 6 साल का कार्यकाल हो जाए। तो ये व्यवस्था है। अभी इनका जो पद है या स्टेटस है वो किसके समान होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तुल्य होता है। द स्टेटस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इक्वल टू जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी इनका जो पद है, प्रोटोकॉल भी आपने समझते होंगे ना, प्रोटोकॉल होता है जैसे राष्ट्रपति सबसे ऊपर आता है, तो प्रोटोकॉल में भी ये जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, जो कि शायद 9वें रैंक पे आता है, मुझे याद आ रहा 9वें रैंक पे है सुप्रीम कोर्ट का जज, और उसी के प्रोटोकॉल में ये भी आते हैं। तो ये हो गया, अभी व्यवस्था यही है, लेकिन ये व्यवस्था भी चेंज होने वाली है, वो मैं बताऊंगा लास्ट में, अपन डिस्कस कर लेंगे उसको कि बिल्स में क्या क्या प्रावधान है। सरकार ने जो नया बिल लाया है उसमें इनका स्टेटस चेंज हो जाएगा ना, किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, एनी आइडिया, नहीं पढ़ा आपने, कोई बात नहीं, हम लोग बात करेंगे इस पर, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, 6 ईयर्स या 65 ईयर्स। ठीक, तो ये कार्यकाल भी हो गया। इनको हटाने की प्रक्रिया जो हम लोगों ने 5वां पॉइंट लिखा था,
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया इनको अपनाई जाती है ना। और क्या प्रक्रिया होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की? एक के साथ हम दूसरी चीज़ों को भी इन्वॉल्व करते चलेंगे। नहीं, एक तो वो उनके केवल दिवालिया वाला तो है ही नहीं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो दिवालिया वो कैसे नहीं हो सकता? एक सैलरी मिलती है हैंडसम उसको। केवल दो आधार हैं ध्यान रखना, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, दुर्व्यवहार या अक्षमता। इस आधार पर उस पर आरोप लगाया जाता है। एक 3 सदस्यीय कमेटी की जाँच करती है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और यदि अभियोग उन्हीं के खिलाफ है तो फिर जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। दो अन्य जजेज भी होते हैं, एक हाई कोर्ट से हो सकते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट से हो सकते हैं। वो समिति जब सिफारिश करती है लोकसभा और राज्यसभा को। अच्छा, इसके पहले लोकसभा और राज्यसभा में क्या लाया जाता है? बिल पेश किया जाता है इनको हटाने के लिए प्रस्ताव। पहले प्रस्ताव आता है लोकसभा या राज्यसभा, किसी सदन में आ सकता है। लोकसभा में लाना है तो कम से कम 50 सदस्यों की, सॉरी राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्यों की का समर्थन लगता है, और अगर लोकसभा में लाना है तो कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन लगेगा। यानी अगर लोकसभा में अगर हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो 100 सदस्य लोकसभा के सिग्नेचर करके देंगे कि हम इस जज को हटाना चाहते हैं, तब जा कर के वो प्रक्रिया, अगर स्पीकर महोदय चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। राज्यसभा में 50, फिर वो एक समिति का गठन करते हैं, जो समिति हम लोगों ने बात की 3 सदस्य। और यदि वो समिति पाती है कि जो अमुक जज हैं वो दोषी हैं तो सिफारिश कर देती है कि इनको हटाया जाए। सेम यही प्रक्रिया क्या होगी इलेक्शन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की होगी। किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए क्या करना होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। यानी किसी चुनाव आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश लगती है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया बेसिक बातें। अब चलते हैं, हम लोग ये बात करते रहेंगे, बीच बीच में हम लोग ये सब चीज़ें भी डिस्कस करते रहेंगे। हम लोग का पहला जो प्रश्न है वो है, निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जाता है? बताओ, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, केवल लिखा हुआ है निर्वाचन आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीधा। विधि मंत्री नहीं हो सकता, राज्यपाल नहीं हो सकता, न्यायाधीश भी नहीं है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये नहीं है, क्योंकि हमें पता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश से उसको हटाया जाएगा। और इसका उल्लेख कहाँ है, और थोड़ा अगर डीप में हम लोग जाएँ तो वही 324 की जो हम लोग बात कर रहे थे, 5 में इनको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है कि सीईसी को कैसे हटाएंगे और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे हटाएंगे। तो कभी मान लो ये भी पूछ लिया जाए, क्योंकि एमपीपीएससी का कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी हो सकता है ये आर्टिकल्स में चले जाएं, तो ये भी ध्यान रखना कि ये प्रक्रिया जो है कौन सी, हटाने की प्रक्रिया जो है ना, ये 324(5) में है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है? लोकसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति। आसान है, ग्राम पंचायत के लिए हम लोग जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, है ना, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, राइट, 243 के अंतर्गत। तो ये इसको हम डिलीट कर देंगे, बाकी जो बच गए 1, 2, 3, यानी कि 1, 2 और 4 जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा सही विकल्प हो गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर पूछूं मैं कि ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, संवैधानिक है तो आर्टिकल भी है क्या इसके लिए, कौन सा? आर्टिकल 324(1). 324(1) कहता है कि लोकसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति, विधानसभा का यहाँ पे नहीं है लेकिन विधानसभा भी है, राष्ट्रपति, इन सभी के चुनावों के लिए तैयारी
मतदाता सूची की को तैयार करना, इस चुनाव प्रक्रिया का अधीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना जिम्मेदारी किसकी होगी? निर्वाचन आयोग की होगी। तो इसका मतलब यही बात है, ठीक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है यही पूछ लिया जाए अगली बार, ठीक है। तो बहुत पहले आसान चीज़ों को पढ़ना, बड़ी बड़ी चीज़ों को, और फिर माइन्यूट चीज़ों को पढ़ना, छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि जब कभी पेपर टफ बनाया जाता है तो यही किया जाता है कि छोटी चीज़ों को पूछ लिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कहीं पे मौजूद नहीं हो वो पूछ लिया जाए। भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? अभी हम लोग बात कर रहे थे, राइट। ये कुछ भी नहीं है, कहीं पे ऐसा कोई उल्लेख है ही नहीं। यानी संविधान निर्माताओं को ये लगा सरकार को जो ठीक लगेगा वो कर लेंगे, तो कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वर्तमान में किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक। बाकी तो ये सारे हैं ही नहीं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ये रहे। वैसे सभी कभी ना कभी रहे हैं, है ना? तो अगर आप प्रथम याद करके रखेंगे तो हो जाएगा। भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और कब इन्होंने पदभार संभाला है? 22 2022 में। कब? हाँ सही है, मंथ बता दो। मई 15 2022। पंद्रह मई तक उनका कार्यकाल था, तो 16 मई से इनका कार्यकाल शुरू होगा वैसे, पर मई 2022 भी याद रखोगे तो चलेगा, है ना। ये जो अनूप चंद्र पांडे हैं ये दूसरे इलेक्शन कमिश्नर इसमें हैं ऑलरेडी, है ना, और एक अरुण गोयल जी हैं। तो कुल अभी वर्तमान में 3 लोग हैं। राजीव कुमार जो हैं ये CEC हैं, ये जो हैं इलेक्शन कमिश्नर हैं, चुनाव आयुक्त, और एक और हैं अरुण गोयल जी। तो ये 3 लोग अभी वर्तमान में हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राजीव कुमार कौन से क्रमांक के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? देखो प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, अब सब पूरा हमने पढ़ रखा है इतिहास की, भाई कौन है क्या है, और उन्हें क्रमांक पूछ लिया, तो ऐसा ना हो कि पढ़ा हुआ सब बेकार चला जाए। तो ये दृष्टिकोण भी रखना है कि किस तरह से पेपर सेट किया जा सकता है। किसी को आइडिया है? 25वें, क्योंकि जो इसके पहले थे कौन थे? अरोड़ा जी, श्री सुनील कुमार अरोड़ा, वो 24वें नंबर के थे, ठीक है। तो सीधी सी बात है 25वें हो जाएंगे। भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्तों का सही क्रम क्या है? ये अभी MPPSC इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो बहुत आसान है, मेरे को तो ठीक लगा कि बहुत जल्दी ये किया जा सकता है। अगर मैं 2 को देख लूँ, वैसे तो मैं आपको एक एक का बता सकता हूँ कब किसका कार्यकाल रहा, इन दोनों को देखेंगे ना, अरे ये दोनों क्रमशः हुए हैं, मतलब रमा देवी जी रिटायर हुई और TN सेशन साहब उनके बाद आ गए। तो अगर देख ले 3 और 4 किसमें मिल रहा हमको, ये मिल गया, ये ऑप्शन हो गया, है ना। तो सीधा सीधा क्लियर हो जाता है। कार्यकाल की बात करेंगे तो सबसे पहले नागेंद्र सिंह थे, ये 82 से 85 तक रहे हैं। फिर त्रिवेदी जी थे, 72 से ये 73 में थे, 1972 से 72-73, और त्रिवेदी जी थे 1982 से 1985 तक, 1980, अच्छा ये गलत, हमने गलत उठा लिया है, और अगर VS रमा देवी की बात करें, इनको याद रखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का
टाइम पीरियड क्या था, कार्यकाल का था, कब बनी है। तो ये बनी थी 26 नवंबर 1989 को और बहुत कम समय तक रही, शायद सबसे कम समय इन्हीं को मिला था। 11 दिसंबर पंद्रह दिन लगभग लगभग है ना, और इसके बाद ही 12 दिसंबर को जो था टीएन सेशन साहब ने कार्यभार संभाल लिया था। तो ये दोनों क्रमशः हो गए, तो ये याद अगर है तो अपने को मिल गया था 3-4 है ना, और बाकी टीएस कृष्णमूर्ति साहब बाद में बने। तो ये हमारा क्रम हो गया 1 2 3 4 5। 25 से क्रम उसको थोड़ा देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि हमको क्या टेक्निक लगानी है, कहाँ पे क्या देखना है। कुछ विशेष लोग हैं जो पूछे जाते हैं, सबको नहीं पूछा जाता, कुछ ना कुछ खास बात होगी। और मुझे लगता है ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वो है कि ये रमा देवी और इनसे जोड़ के वो कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। एक प्रश्न और आ सकता है, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, वीएस रमा देवी का, या ये पूछ सकते हैं कि कितने समय के लिए वो बनी। और आप अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि केवल 15 दिन के लिए रही हैं वो, है ना। वो दे देंगे 1 साल 1.5 साल 3 साल 2 साल और 1 15 दिन, तो 15 दिन तो सोच भी नहीं पाओगे कि 15 दिन वो रही होंगी, है ना। और जनरली पेपर सेटर अगर घुमाना चाहता है तो ऐसे ही तथ्यों को लेकर के वो आता है। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है और एक दो बार पढ़ने से याद हो जाती हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद धारण करने का गौरव, अभी हम लोगों ने बात की, वीएस रमा देवी थी। टाइम पीरियड क्या था वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब इन तीन के बारे में नाम सुना है आपने, ये भी काम के हैं, कम से कम आपके लिए ये तो इम्पोर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं, फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। और इनका कार्यकाल क्या था, 1992 से 1996 तक था, यानी रोज मिलियन वैथ्यू वॉज फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी और कार्यकाल था इनका 1992 से 1996 तक। तो चूंकि संघ लोक सेवा आयोग भी अपने सिलेबस में है तो ये भी ध्यान रखना है। अरुंधति भट्टाचार्य ये एसबीआई की एमडी रही हैं, 2013 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, तो ये अपने उसमें है नहीं पर फिर भी ध्यान रखें। एक अरुंधति राय भी हैं, वो लेखिका हैं, उनकी किताब अक्सर पूछी जाती है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अगर आपको याद हो तो उन्हीं किताब थी ना, एक टाइम पे बहुत पूछी जाती थी। फिर कल्पना चावला के बारे में आप लोग जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, क्यों, हाँ, शी वॉज एन एस्ट्रोनॉट, फर्स्ट इंडियन वूमन एंड पहली भारतीय महिला थी, भारतीय मूल की महिला थी जो इस अंतरिक्ष में गई, ठीक है। और एक 2003 में एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, सभी के सभी अंतरिक्ष यात्री जो है मारे गए थे। और भारत ने अपने उपग्रह का नाम कल्पना रख दिया, कौन सा उपग्रह था वो, नहीं मौसम विभाग के लिए था, मेटसेट नाम था उसका, है ना, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी जो थे उन्होंने ये नाम बदल दिया था उसका, उन्होंने कहा था हम अपने मेटसेट का जो नाम है वो कल्पना चावला के नाम पे रखेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, कभी ये भी पूछा जा सकता है यहाँ से करके, क्योंकि वैसे भी साइंस एंड टेक में उपलब्धियाँ बहुत सारी चल रही हैं भारत की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चुनाव आयोग में अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, अभी जो प्रक्रिया है वो है राष्ट्रपति के द्वारा। साफ लिखा हुआ है कि सीईसी के अलावा अन्य आयुक्त उतनी संख्या में होंगे
जितने की राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन ये राष्ट्रपति हैं। हाँ, अगर कोई कानून बना दिया जाए कि कौन करेगा, तो फिर सीधी सी बात है, तब परिस्थितियाँ बदल जाएंगे। फिर प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? है ना, 25 जनवरी को, राइट? क्यों मनाते हैं? क्योंकि स्थापना दिवस है ना। प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? ये उसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न खड़ा होता है, 2011 में, करेक्ट आंसर है ना, ये 2011 याद रखना है, क्या कि यहाँ से हम लोगों ने मतदाता दिवस मनाना शुरू किया है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, है ना, भाग 15 324 से 29। तो अगर आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि भाग 15 अनुच्छेद 324, भाग 20 ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये है भाग 324, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं, और आंसर क्या हो जाएगा, सी, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। 29 नहीं भी लिखेंगे, 324 भी लिखेंगे तो उसमें उसका उल्लेख है। भाग 15 का नाम क्या है? हर भाग का एक नाम है, जैसे अगर मैं कहूँ भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र लिखा है ना, भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप, बहुत सिंपल, निर्वाचन, सिर्फ लिखा हुआ है निर्वाचन या इलेक्शन, याद रखना, वो कंफ्यूज करेंगे, वो लिख देंगे निर्वाचन प्रणाली, इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन जाके देंगे CRD में, तो वहाँ तक तक तो आप पहुँचोगे ही नहीं, पहले ही निर्धारित कर लोगे कि ये वाला सही है, सब सटीक बैठेंगे। तो मैं तो ये मानता हूँ पहले याद होना चाहिए, पहले अपने आंसर ढूंढो, मेरा वाला आंसर अगर जो मिल रहा है ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर अगर नहीं मेरा वाला आंसर नहीं मिला तो फिर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, क्योंकि हर जगह हम एलिमिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते, पढ़ाई की है तो फिर क्यों जाना, वो तो सेकंड ऑप्शन है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें उन्होंने सिंपल पूरा दे दिया है, 324 से 329 पूरा सब कुछ इसमें उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है। निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्तियां किसमें निहित हैं? अभी इससे मिलता जुलता प्रश्न हम लोगों ने किया था शायद, सदस्य जोड़ का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति। पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय किया गया था 16 अक्टूबर 1989 को दो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, और ये कहा गया था कि क्यों किया गया था, क्योंकि 61वां संविधान संशोधन हुआ था, याद हो अगर आप लोगों को, क्या हुआ था 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 आ चुका था। हाँ, मतदान के लिए जो आवश्यक एज थी उसको घटा दिया गया था, 21 से कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये किया गया था कि यूथ ज़्यादा आ जाएगा, एंड ही वॉज अ यूथ आइकन एट दैट टाइम, तो ये उनके सलाहकारों ने राय दी होगी कि नहीं इस तरह से कर लिया जाए इसको, हालांकि इसका फ़ायदा उन्हें हुआ नहीं था। तो जब नए यूथ को लाना था तो बहुत सारा काम बढ़ गया, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दो अन्य आयुक्तों की ज़रूरत है, तो एक SS धनोवा और एक VS सेगल को नियुक्त किया गया था, ये दो नए थे, ध्यान रखना, SS धनोवा और VS सेगल, ये दोनों जो थे ये भी बेचारे बहुत कम समय के लिए रहे, अक्टूबर में अपॉइंटमेंट हुआ और जनवरी में इनका कार्यकाल पूरा हो गया, यानी इनकी उम्र हो गई, 1 जनवरी
1990 को, तो सरकार ने आगे अपॉइंट नहीं किया। फिर वो हम लोग पढ़ते हैं ना कि उसके बाद इसको रोक दिया गया, फिर एक सदस्य हो गया वापस, पुनः इसको कब 1993 से इसको शुरू किया गया, तीन सदस्यीय बनाया गया। सेशन साहब जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, है ना, उसके पीछे की अलग कहानी है, ठीक है। तो तब से तीन सदस्य रहा आया। उस टाइम ये कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो बॉस होगा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के द्वारा उनको तीनों को बराबर कर दिया गया, क्योंकि टी एन सेशन ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए। वो ऐसे चुनाव आयुक्त रहे हैं जिनके कार्यकाल में लोग जानने लगे कि चुनाव आयोग जैसी भी कोई संस्था बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती है। उनका जो महत्वपूर्ण एक योगदान है पता है क्या है, इसके बारे में जानते हो आप? एपिक, मतदाता फोटो पहचान पत्र, एपिक बोलते हैं उसको, है ना, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये मेंस में भी आ सकता है एपिक क्या है, तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा। आपका वोटर आईडी कार्ड होगा उसको पलट के पीछे देखना, लिखा होगा EPIC, देखना आज जाके देखना आप इसको, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं और हमसे गलती हो जाती है, और जब ऐसी गलती एग्ज़ाम में करके आते हो तो निश्चित से बाहर हो फिर। तो ये लाने का जो श्रेय है वो टीएन सेशन को जाता है, ये भी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना। सरकार ने कहा था कि इतने खर्चे होंगे, ये होगा, वो नहीं माने, बोले हमें चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, और उन्हीं के कार्यकाल में इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड की शुरुआत हो गई थी। और लंबा समय भी था, उन्होंने 6 साल थे तो उन्होंने बहुत सारा करवा भी दिया था उसी टाइम। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना है? अभी जो है हम लोगों को पता है 6 ईयर्स या 65 ईयर्स। ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या करते हैं वो लोग, मान लो यहाँ 65 डाल देंगे, यहाँ 6 करके यहाँ बदल देंगे, तो दोनों जब हमारे मैच कर जाए, एकदम सुनिश्चित कर लो, एंश्योर हो जाओ कि नहीं मेरा बिल्कुल एकदम यही है, तब जाके गोले भरना। क्योंकि ये गलतियाँ क्या होती हैं, बहुत पछतावा होता है इनसे अगर ये गलतियाँ आप करते हो तो। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली। बहुत सिंपल सा है। अब मेरा प्रश्न ये है कि मुख्यालय भवन का नाम क्या है, ये प्रश्न भी आ सकता है। अक्सर अभी खूब सारा न्यूज आती है, बहुत सारी न्यूज आ रही है उसकी फोटो आती है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्या लिखा रहता है, क्या नाम है उसका। और इस तरह के प्रश्न पीएससी में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं पहले भी। निर्वाचन सदन, ध्यान रखना इसका नाम है निर्वाचन सदन। जैसे प्रधानमंत्री के आवास का क्या नाम है, भारत के प्रधानमंत्री के आवास का क्या नाम है, अरे पहले वो कहलाता था 7 रेस कोर्स रोड, मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने उसका नाम उन्होंने बदल दिया 7 लोक कल्याण मार्ग। ये बहुत सामान्य ज्ञान जानकारियाँ हैं, ये आपको बननी चाहिए, है ना। MPPSC ने बहुत सालों पहले एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आवास पूछ लिया था, आप पेपर देखना, आई थिंक पहले की बात 2007 या 2006 की बात उस टाइम की। तो जब ब्रिटेन के PM का पूछ सकते हैं तो अपने यहाँ के PM का क्यों नहीं पूछ सकते, पता है क्या नाम है ब्रिटेन के PM के आवास का नाम? 10 Downing Street। ये जनरल नॉलेज में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो, क्योंकि उनका जो पद है, स्टेटस है, उनका जो दर्जा है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तो ये होगा मुख्य न्यायाधीश के समान नहीं, न्यायाधीश के समान, तो ये ध्यान रखना है। हालांकि अब ये बदलने वाला है, चर्चा कर लेते हैं, यहीं पे जगह भी है यहाँ पे। भारत सरकार जो है, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा ना कि पहले क्या था, सरकार की ढूंढती थी कि भाई इस व्यक्ति को बनाना है, राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगा देते थे। इसको लेकर के जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, तो पहले 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की, फिर 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन हुआ,
मार्च में इसी साल मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, तो इसका भी जो चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी भी नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए और ये बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि सीबीआई के डायरेक्टर के लिए है, सतर्कता आयुक्त के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक विधायिका कानून नहीं बना देते, जब तक संसद कानून नहीं बना देती है, तब तक एक 3 सदस्यीय समिति जो है कुछ नामों पर विचार करेगी और राष्ट्रपति को रेकमेंड करेगी, सिफारिश करेगी। और 3 सदस्य में कौन कौन होंगे? उन्होंने कहा एक तो होंगे पीएम जो अध्यक्षता करेंगे, दूसरे होंगे विपक्ष के नेता और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में 2023 में यह डिसीजन दिया कि एक कमेटी होगी, 3 मेंबर कमेटी, जिसमें पीएम लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में और सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों मिलकर के खोज करेंगे कि किसको बनाया जाना चाहिए और राष्ट्रपति को जिसके नाम की सिफारिश करेंगे उनको राष्ट्रपति को मानना होगा। इसको लेकर के सरकार ने 10 अगस्त 2023 को कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 10 अगस्त को हमारे कानून मंत्री ने, कौन है हमारे कानून मंत्री, देखो पता होना चाहिए भाई, सिंपल क्वेश्चन आएंगे फिर सिंपल क्वेश्चन गलत हो गए हमारे, श्री अर्जुन मेघवाल, ये लोग इम्पॉर्टेंट हैं इसीलिए इनके नाम पूछे जाते हैं, है ना। लॉ मिनिस्टर जो हैं, लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल, ने क्या किया, उन्होंने बिल पेश किया, कहां, राज्यसभा में, क्या नाम है उस बिल का, एक बिल पेश किया, एक विधेयक पेश किया, उस बिल का नाम है, हम लोग एक पेज जोड़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं इसमें, है ना, उस बिल का नाम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं, और एक ही बात है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त ब्रैकेट में नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट सेवा शर्तें और कार्यकाल। ये नाम है, ये अभी विधेयक है, यानी कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड टेन्योर्स या टर्म्स ऑफ ऑफिस भी लिखते हैं, ये उसका नाम। उन्होंने 10 अगस्त को ये बिल पेश किया राज्यसभा में और इसी बिल को उम्मीद है कि अभी 18 तारीख यानी आज से जो लोकसभा का विशेष सत्र चालू हो रहा उसमें सरकार पेश करने वाली है लोकसभा में पारित करवाने के लिए। अब इसमें क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं जो सरकार ने प्रपोज किया है वो देख लेते हैं, है ना। इन्होंने प्रपोज ये किया है कि जो नियुक्ति होगी उसमें बदलाव होगा, नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट में अपॉइंटमेंट के लिए एक समिति का गठन सरकार करेगी और उस समिति के अध्यक्ष पीएम होंगे, 2 जो अन्य सदस्य हैं वो होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन
और नहीं सीजेआई नहीं होंगे बल्कि कोई ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर जिसको पीएम नॉमिनेट करेंगे। सीजेआई किस में है? जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक संसद कानून नहीं बना देती तब तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। संसद कानून बना देगी तो ये व्यवस्था हमारी खत्म हो जाएगी। तो सरकार ने संसद में विधेयक पेश करने वाली राज्यसभा में पेश कर चुकी है और लोकसभा में वो पेश कर रहे हैं कि उसमें पहली व्यवस्था यही है कि कमेटी एक होगी, 3 मेंबर कमेटी। इसमें पीएम चेयरमैन होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन विपक्ष के नेता, और यदि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो जो भी बड़ी पार्टी है उसका लीडर। आप जानते हो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पद है वो कैसे मिलता है? अगर कोई पार्टी 10% लोकसभा में सीट हासिल करती है, कम से कम 10%, तब जा कर के उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसके नेता को बनाया जाएगा। कांग्रेस के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, इसीलिए सिर्फ उनको सबसे बड़े दल का नेता माना जाता है। तो इन्होंने कहा है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन पाया कोई तो कोई बात नहीं, जो सबसे बड़ा दल होगा लोकसभा में सरकार के अलावा, सत्तारूढ़ दल के अलावा, रूलिंग पार्टी के अलावा, उसका जो लीडर होगा उसको हम शामिल करेंगे। और तीसरा जो व्यक्ति होगा अ कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, अ कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी है? ये दोनों तो रहेंगे, यहाँ पे उन्होंने सीजेआई को खुद रखा हुआ था, और जैसे ये कानून बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा है कि जब तक संसद कानून न बनाए तब तक हमारी वाली व्यवस्था चलेगी। इसी का विरोध हो रहा है ना, विपक्षी पार्टियाँ इसका लेकर के कह रही हैं कि निष्पक्षता तो रह ही नहीं जाएगी, भाई प्रधानमंत्री ही बनाएंगे, ये नॉमिनेट करेंगे तो अपने व्यक्ति के को करेंगे तो वो फेवर तो करेंगे, ऐसा सोचना है उनका। अब क्या होगा देखा जाएगा। तो इसको लेकर के विपक्ष का थोड़ा सा मतभेद है विपक्ष के साथ है। अब एक चीज़ उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया में ये परिवर्तन किया, दूसरा उन्होंने टेन्योर वही रखा है 6 साल या 65 वर्ष, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है। स्टेटस, दर्जा के लिए कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही होगा, प्रोटोकॉल में कोई छेड़खानी नहीं की गई होगी, लेकिन जो सेवा की शर्तें हैं, सुविधाएं हैं, वो बदल दी हैं उन्होंने। उन्होंने क्या किया है, जो सीसी एंड इलेक्शन कमिश्नर्स का पद होगा ये इक्विवेलेंट होगा किसके किसके, कैबिनेट सेक्रेटरी के। पहले किसके होता था, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होता था। अब उन्होंने कहा कि सेवा की जो शर्तें हैं वो होंगी जो कैबिनेट सेक्रेटरी की होती हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी जो सैलरी है पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलती थी, अब वो सैलरी किसके बराबर मिलेगी, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर मिलेगी, है ना। तो ये उनका एक तरह से क्या, उनका पद नीचे आ गया है, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल में भी 13वें नंबर पे आते हैं। हालांकि जब तक क्लियर, अभी ये सब न्यूज़ मीडिया में आ रही हैं खबरें, जब सरकार पेश करेगी हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन भी कर दें, संशोधन भी कर दें, तो फाइनल तो हम लोगों के पास तब मिल करके आएगा हमारे सामने जब वो विधेयक से क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। हो सकता है सरकार संशोधन के साथ लेकर के आए, तो इसका विरोध हो रहा है कि नहीं कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए इसको, है ना। अच्छा एक चीज़ और, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट के लिए
एक 3 मेंबर कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसको कहा गया सर्च कमेटी, खोज समिति कहा गया है। वो कुछ ऐसे लोगों का नाम इकट्ठा करके देगी, किसको? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को, जिन पे वो समिति विचार करेगी और फिर रेकमेंड करेगी, है ना। तो जो सर्च कमेटी है या खोज समिति है, खोज समिति में कौन कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी उसके हेड हैं और 2 अन्य मेंबर्स जो होंगे वो सेक्रेटरी की रैंक के होंगे, उससे कम के रैंक के नहीं हो सकते। वो किसी भी डिपार्टमेंट के सचिव हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, उनका जो पद होना चाहिए वो नॉट लेस देन सेक्रेटरी होना चाहिए, सेक्रेटरी से कम का नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी विभाग के वो सचिव हो सकते हैं। तो ये 3 सदस्यीय समिति जो है, खोज समिति, 10-15 नामों का चुनाव करेगी कि ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चुनाव करवाने का अनुभव है, ईमानदार हैं, सक्षम हैं, फिर उन पर विचार किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा, जिसमें कि एक कैबिनेट मंत्री होंगे और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, और वो जिसको रेकमेंड करेंगे राष्ट्रपति उसको अपनी मुहर लगा देंगे। सर, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना, ये भी उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जो इसमें से वो उनके होंगे। तो यही इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है ऑपोजिशन के द्वारा कि चुनाव आयोग इसमें स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। तो ये कुछ परिवर्तन सरकार करने जा रही है। अब एक्चुअल में बिल आ जाए, अभी जो बिल पेश हुआ है उसके बारे में ये सब जानकारियाँ हैं। एक बार विधेयक जब कानून बन जाएगा, हो सकता है कुछ संशोधन कर दें सरकार, तो नए टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? अभी सबसे बड़ा पद होता है प्रशासन की दुनिया का, हर IAS कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बन सकता, सारे IAS का बॉस होता है वो। मिस्टर राजीव गाबा अभी जो हैं हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी, वो राजीव गाबा है, पहले होम सेक्रेटरी भी रहे हैं वो, क्योंकि इतनी उम्र नहीं होती है। जो व्यक्ति 21-22 साल में IAS बन जाता है ना, सीनियर मोस्ट होता है एक तो, दूसरा बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और तीसरी बात प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट होना चाहिए। जिस प्रकार हर IAS जो है राज्य में चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता, जिसको CM चाहते हैं, और सीनियर हो, उसका वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा रहा हो तो उसी को बनाते हैं, ठीक वैसे ही वहाँ पे भी है। तो जो 30 साल की उम्र में मान लो IAS बनता है या 28 साल की उम्र में IAS बनता है, वो तो पहुँच ही नहीं पाता वहाँ तक, क्योंकि क्योंकि एज नहीं बचेगी, जल्दी रिटायर हो जाएंगे। 30 साल में जो बनेगा वो 30 साल नौकरी करेगा। भाई सबकी एज वही है 65 साल वाली, 62 साल ही होती है उसकी भी, 62 साल में रिटायर होना पड़ेगा आपको। एक्सटेंशन भी सरकार दे सकती है थोड़ा, लेकिन उसके लिए ये है कि पहले आप यहाँ जो सचिव स्तर की तक पहुँचना पड़ेगा ना आपको। अब मान लो 30 साल में कोई बनता है तो कितना होगा, वो 30 साल नौकरी करेगा, जो 21 साल में बनता है 39 साल नौकरी करेगा, तो 21 साल में बनने वालों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बन पाए, और उनका प्रोफाइल बेदाग होना चाहिए, बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारे काम जो कैबिनेट का हेड होता है, प्रशासनिक हेड बोलते हैं ना कैबिनेट, कैबिनेट का राजनीतिक हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कैबिनेट का प्रशासनिक हेड जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब नया निकल करके आएगा, मान लो इसी सत्र में वो विधेयक कानून बन जाता है, तो फिर अपने को वो सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, और पुराना जो ज्ञान है हम लोगों का किसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो भुलाना पड़ेगा। और इसीलिए मेरा मानना है कि इस साल इससे प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि दिसंबर तक तो पक्का सब कुछ हो जाएगा। हाँ चलो, अब अपने ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने और भी चीज़ें हैं इसमें। चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि तो 329 ही, तो 29 इसने लिखा, पूरा ये इसी न्यायालय और इलेक्शन से रिलेटेड है। चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अच्छा प्रश्न है, संसद को अधिकार दिया गया है
और विधानसभाओं को भी अधिकार दिया गया। विधानसभाएं जो हैं राज्य से संबंधित, जैसे पंचायतों के चुनाव जो होते हैं उससे संबंधित कानून बना सकती हैं, है ना? गुड, 327 ध्यान रखना, संसद को पावर है 327 के अंतर्गत, और 328 में किसको पावर है? विधानसभा। तो यहीं से दोनों चीज़ें याद हो गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने और आयुक्त होते हैं? तो दो। जल्दीबाजी में तीन नहीं लगाना है, कि कुल तीन है, है ना? जल्दीबाजी में देखा ये मिल गया तीन, जबकि तीन तो कुल हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है पहले। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सिंपल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अभी जो नया बिल आया है उसमें यही लोगों को डर है कि अगर कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर हो जाएगा तो सरकार जब चाहे हटा सकती है। कैबिनेट सेक्रेटरी को सरकार जब चाहे अपनी इच्छा से हटा सकती है, तो इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। अब हो सकता है सरकार हटाने की प्रक्रिया, सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि हटाने की प्रक्रिया वही रहेगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है, लेकिन जब ये एक्ट के रूप में बन के आएगा तो हम लोग उसको फाइनली स्वीकार माना जाएगा। अभी बिल के रूप में है तो संशोधन संभव है। नहीं, दोबारा नहीं बन सकता, ठीक है, उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है। सदस्य ही बनते हैं जनरली। अभी अगर प्रक्रिया देखोगे तो जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, उनमें जो सीनियर होता है, सरकार जनरली भेद नहीं करती है। अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर बन गया है ना, तो फिर उनमें जो सीनियर होता है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देती है। ये प्रक्रिया हमेशा से चलती आई है। दोबारा नहीं बन सकता, दोबारा नहीं बनाया जाता। एक बार उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो फिर वो नहीं बनता। तो आज के इसमें इतना ही, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को चुनाव आयोग से संबंधित जो है जानकारियाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा कलेक्ट आपने की होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अगले सेशन में। थैंक यू।